हेलो। हाँ श्रवण, कौन? विष्णुप्रिया। हाँ जी, कैसे? बढ़िया बढ़िया। हाँ अच्छा, बढ़िया होना भी चाहिए। और बताइए, खाना खाए? हाँ अभी खाना खाया। और घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। बढ़िया। और मम्मी का तबीयत कैसा है? मम्मी एकदम ठीक है। अच्छा, अब ठीक है ना? हाँ वो एकदम ठीक है। बोल रही है कि तुम कब आओगी घर पे। हाँ और सुनाइए, क्या हो रहा है? अरे इस लॉकडाउन में अच्छे से ही रहिएगा, कुछ हो गया तो, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मतलब मुझसे भी बहुत ज़्यादा पैसे वाली या मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मुझसे, तो मुझको छोड़ के चले जाएंगे क्या? पागल हो क्या तुम? ऐसी बात क्यों कर रही हो? नहीं छोड़ूंगा तुमको, नहीं कभी भी नहीं। अच्छा, यहाँ लाइफ में मुझे कुछ हो गया तो फिर चले जाएंगे? कभी भी नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। अच्छा हाँ, वैसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी छोड़ के जाइएगा मत, नहीं तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर बहुत भरोसा करती हूँ आप पर। कभी बस यही है कि कभी छोड़ के जाइएगा मत, नहीं तो मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। मुझे नहीं पता अगर कोई खूबसूरत आ गई या कुछ भी आ गई तो, मुझे पता नहीं है, फिर भी कभी मत जाना सर। अरे पागल, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, और अब अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा सुनो, मम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा और लॉकडाउन में थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है? हाँ, और ख्याल रखिएगा अपना, और बहुत मिस करूँगी आपको, ठीक है, बाय, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। श्रवण सुनो। हाँ बोलो। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी, तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगी, प्लीज़ श्रवण उसे भूल जाओ। नहीं, मैं तुमसे नहीं विष्णुप्रिया से प्यार करता हूँ, और हाँ तुम नहीं, वो मेरे लिए ठीक है और वही मेरे लिए ठीक है, बस।